दर्शक बंधु जेबेठारु इज्राइल एवं हमास मध्यरे संघर्ष आरंभ होइछि एथिरे संभवत एबे इज्राइल एमिति एक देश रूपरे सामना को आछि जहा पई बहु देश एबे व्यापारिक संपर्क छिन्न करथुबा बळे किछि देश इज्राइल पई ही क्षतिर सम्मुखीन हबाकु जाउछन्ति एवं मोटामोटी भापरे अनेक देश माने जेउ भली इज्राइल को परामर्श देउछन्ति एही अनुजाई इज्राइल काम न करथुबा बळे संभवत आगु को आहुरी जटिल परिस्थिति खास करी अमेरिका इज्राइल पई भोगी पारे एक कथा मध्य आकलन करा जाय किंतु हठात ए जो गोलिया मालिया परिस्थिति भितरे तुर्की लंफ प्रदान करिबो एवं तुर्की को सीधा सड़ख इज्राइल रो सरकारी प्रतिनिधि माने ताछल्य बा समालोचना करिबा आळरे तानाशाही शासक बोली नामित करिबा खास करी तुर्की रो राष्ट्रपति एर्दोगन को जणे एकछत्रवादी शासक रूपरे अभिहित करिबा संभवत इज्राइल एवं तुर्की मध्यरे आगुरु जे विभेद थिला एहार एक उग्र रूप सामना को आसीछि। एर्दोगन को इज्राइल एकछत्रवादी शासक बोली काहेकि कहे संभवत आज जदि आमे देखिबा ताहाले विश्वरे एही एकछत्रवादी नामक शब्दटी अति परिचित मने हुए समस्त समस्तंकु एकछत्रवादी शासक बोली अभिहित करिबा आरंभ कलेनि एथिरे पुटिन को मध्य जिनपिंग को मध्य आउ एबे एर्दोगन को मध्य कहाजिबा आरंभ करागलाणि एवं ईरान साउदी आरब एमानंकर शासन प्रणाली मध्य ठीक सेही भली हेथिबा बळी एभली शब्द प्रयोग रु एमाने मध्य वंचित नुहंती किंतु हठात एक व्यापारिक संपर्क को बंद करती तुर्की जेउ भली भाबरे एक नूतन विवाद आरंभ करती एहा को नै अत्यंत उद्वेग एवं अत्यंत उग्र भाबरे इजराइल रो सरकारी प्रतिनिधि माने तुर्की रो राष्ट्रपति को गभीर मात्रा रे समालोचना करी तांकु एक एकछत्रवादी शासक बोली कहिबारे पछैना किंतु मोटामोटी भाबरे एर्दोगन तुर्की सह केवल व्यापारिक संपर्क को क्षीर्ण करिबा नै इज्राइल द्वारा समालोचित होउछन्ति एक कथा नुह एहा पछरे आउ एक कारण मध्य रहिछि तबे ई कारण टिकु जानिबा पूर्वरु जदि आमे तुर्की एवं इज्राइल रो संपर्क को देखिबा ताहाले तुर्की सेई देश एवं प्रथम देश जे प्रथमे इज्राइल रो उत्पत्ति एवं इज्राइल को एक देश बोली मान्यता देथिला आपण जेतेबेले भी गूगल करिवे क्यों क्यों मुस्लिम राष्ट्र माने इज्राइल को मान्यता देइछन्ति एथिरे सर्वप्रथमे तुर्की रो नाहि पाइबे एमिति भी इज्राइल को पाकिस्तान हो बांग्लादेश हो साउदी अरब हो ईरान हो एमाने देशर मान्यता देई ना एभली क्षेत्र रे तुर्की एवं इज्राइल रो मध्य व्यापक व्यापारिक संपर्क मध्य रहिथला एवं जहा की पाखापाखी 7 बिलियन डॉलर रो व्यापारिक संपर्क तुर्की एवं इज्राइल मध्य रे रहिथला एवं सबटु बड़ कथा हला एबे हठात एही समस्त व्यापारिक संपर्क को तुर्की निज पटरु बंद कर दिछि एवं संभवत एर्दोगन को कहबा अनुजाई तुर्की रे एमिति एको बड़ गोष्ठी रहिछन्ती जो माने पैलेस्टाइन समर्थन रे इज्राइल को विरोध करुछन एवं संभवत निज देशर जनता को क्षांत करबा पई एर्दोगन को एही रणनीति रहिछि एवं इज्राइल सह संपर्क टुटेबा पई से आगभर होइछन्ती एक कथा आलोचना हेउछि एमिति भी जदि तुर्की को बात दवा ताहले दक्षिण अमेरिका देश कोलंबिया बहुत बड़ा देश इज्राइल सह एहार उत्तम संपर्क रहितला बहुबार इज्राइल रु कोलंबिया अस्त्रशस्त्र मध्य इज्राइल थारु किडीछे एभली स्थिति रे ए समस्त संपर्क को टुटे दे कोलंबिया संभवत इज्राइल सह जहा भी कूटनीतिक संपर्क थिला एहाकु टुटे दिछि तबे दुनिया भर विभिन्न कारण दर्शाई इज्राइल सह एबे विभिन्न देश संपर्क पूर्वर संपर्क को भांगी दउथुवा बळे तुर्की हठात ए नै एक रकम एही विवाद भितरे काहे कि पसिछि एहा पथरे जो प्रथम कारण टे हला ताहा हेउछि अरब देश मानकरे तुर्की निजर नायक होबार यथेष्ट प्रमाण देबाकु चाहूछि एवं द्वितीय रे जदि आमे तुर्की रो वर्तमान रो परिस्थिति को देखिबा एहा समस्तंकु चकित करिवो तुर्की भलि देश रे प्राय महंगा दर 70% बढिबा देखा दिछि 70% जदि गुटिए देश रे महंगा दर बढे एहार लोक माने करिवे को अल्पे बहुते जहा भी बैंक रे माने टंका रखिथिबे एहा को निजे चलिबा पई व्यवहार करिबा पई से माने बाध्य हबे एवं परिस्थिति एमिति हबो कि खूब शीघ्र एक बड़ गोष्ठी दारिद्र्य रो सीमा रेखा को चलिजिवो एवं एही पई एर्दोगन को कोनसी प्रकार रो योजना रहितिबा जणा पड़ी नाही द्वितीय रे आहुरी मध्य चमत्कार कथा हला कि तुर्की रो जो टंका लीरा एहार अवस्था डॉलर तुलना रे अत्यंत शोचनीय तेणु टंका दुर्बल एपट रे तुर्की रो भविष्यत मध्य दुर्बल हेउथुबा बळी
ଇସ୍ରାଏଲ ସହ ବ୍ୟାପାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ତୁଟେଇ ନିଜ ଜନତାକୁ କେଉଁ ଉପଦେଶ ବା କେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏର୍ଦୋଗନ, ଏହା ହିଁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଯେକୌଣସି ଦେଶରେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବ୍ୟାପାରକୁ ଏକ ମଜବୁତି ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଏଥିରେ ଅଦଳବଦଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରାୟ ଆମଦାନୀ କରିହୁଏ, ରପ୍ତାନୀ କରିହୁଏ, ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଅନେକ ଦେଶ ସହ ଯଦି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶ ବ୍ୟାପାର କରେ, ଏହି ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଉପରକୁ ଯିବା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ତର୍କୀର ବର୍ତ୍ତମାନର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ଇସ୍ରାଏଲ ସହ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ବା ଖାସ କରି ବ୍ୟାପାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏର୍ଦୋଗନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବାରୁ ସମ୍ଭବତଃ ଏହି ଆଧାରରେ ଇସ୍ରାଏଲ କହୁଛି କି ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁଭଳି ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି, ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କଲେ ଆଗକୁ ଚାଲି ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବା ଦରକାର। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏବେ ତର୍କୀକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଛଡ଼ା ଇସ୍ରାଏଲ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଜଟିଳ ହେବ ଯେତେବେଳେ ରାଫାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ଜାତିସଂଘ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶ ମନା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏମିତି ବି ଗାଜାରେ 35,000+ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ବହୁ ପ୍ରକାରର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଲୋକ ରାଫାରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରହିବା ଇସ୍ରାଏଲ ଆବଶ୍ୟକ, ଆମେରିକାର ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ବୟାନ ରହିଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ଚାଲି ଏ ମାମଲା କେଉଁ ପଟକୁ ଗତି କରୁଛି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।